नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। आज बात शहीदों की होगी, बहस गद्दारों पर भी होगी। आज बात देश पर मर मिटने वालों और अपनों के सीने में खंजर खोपने वालों की होगी। अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं, देशवासी हैं, तो आज की डिबेट देखना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज हम आपको गद्दारों की करतूत बताएंगे। आज हम बताएंगे कि सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत को क्यों कहना पड़ा कि आतंकियों के मददगार भी आतंकी हैं। जनरल रावत आर्मी के चीफ हैं, क्यों कहा कि पत्थर का जवाब सख्ती से अब दिया जाएगा। इसकी वजह है कश्मीर और बांदीपुरा और हंदवाड़ा में आतंकियों के खिलाफ हुआ एनकाउंटर, जहां आतंकियों को जैसे ही सुरक्षा बल के जवानों ने घेरा, कुछ स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया, आतंकियों को बचाने में मदद की। हालांकि 6 आतंकी मारे भी गए, लेकिन हमारे 4 जवान और 1 अफसर भी शहीद हो गया। क्या आतंकियों के समर्थक ऐसे लोग देश के गद्दार नहीं है? ऐसे ही गद्दारों के खिलाफ आज होगा निर्णायक और देशहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए सबसे बड़ा आर पार। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में शहीद और शहादत के जयकारे लग रहे हैं। आतंकियों को पनाह देने वालों को लेकर गुस्सा है। क्या चेक देने आएंगे? चेक के भूखे हैं। और कुछ रोष चुनाव में व्यस्त हाकिम और हुक्मरानों की सुस्ती पर भी। देश के लिए शहादत पर हर किसी को नाज है, लेकिन परिजनों की तरह एक गुस्सा सेना और सरकार के भीतर भी है। कश्मीर के बांदीपुरा और हंदवाड़ा में 3 जवानों और 1 अधिकारी की शहादत को सलामी देने खुद प्रधानमंत्री पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने सेना अध्यक्ष बिपिन रावत से बात की। न्यूज 18 इंडिया के सवाल के जवाब में आर्मी चीफ ने गद्दारी करने वालों को सख्त हिदायत दे डाली। समझाने के रूप में अपनी तरफ से एक हिदायत दे रहा हूं कि अगर आप बाज नहीं आते हैं और अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में बाधा बनते हैं, तो हम लोग आपके साथ सख्ती से कार्रवाई करेंगे। कश्मीर के भटके हुए नौजवानों को हिदायत की वजह हाथों में उठने वाले पत्थर। शहादत देने वाले वीर सपूत आतंकियों के खिलाफ चल रहे उसी अभियान का हिस्सा थे, जिसकी खबर मिलते ही सैनिकों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन स्थानीय नौजवानों ने पथराव कर उनके अभियान में खलल डाला। मौका पाकर आतंकियों ने सैनिकों पर हथगोले फेंके और गोलाबारी की। स्थानीय लोगों की आतंकियों के साथ इसी मिलीभगत पर सेना अध्यक्ष रावत को हिदायत देनी पड़ी। स्थानीय लोग आतंकियों की मदद न करें, ISIS और पाकिस्तान के झंडे न लहराएं, देश विरोधी काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सेना प्रमुख के इस बयान पर कुछ नेताओं ने एतराज जताने में देरी नहीं की। जो पाकिस्तान से मिलिटेंट्स आते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लें, उनके खिलाफ कार्रवाई लें, उनको रोकें हमारे मुल्क में आने के लिए। लेकिन ये कहना कि हम कश्मीर के बच्चों को पकड़ के करेंगे, तो ये तो मेरे ख्याल में इसे कश्मीर के लोग छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान के लोग, पूरे देश के लोग इसे पसंद नहीं करेंगे। आई एम सरप्राइज्ड दैट अ सीनियर आर्मी ऑफिसर इज यूजिंग दिस काइंड ऑफ अ लैंग्वेज। लेकिन सत्ताधारी पार्टी, सरकार और रक्षा मामलों के जानकार सेना प्रमुख के बयान से 100% सहमत नजर आ रहे हैं। आर्मी चीफ ने जो कहा है वो देश हित में कहा है, उसको मिस इंटरप्रेट करने का कोई जरूरत नहीं। व्हाट जनरल बिपिन रावत हैज सेड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हर शहादत के बाद गुस्सा, लेकिन अब आतंकियों के साथ गद्दारों की खबर लेने की भी बारी। सेना प्रमुख की इसी हिदायत पर आज होगा आर पार। और देशद्रोहियों की वार्निंग का विश्लेषण सुनिए आज आप। सेना की वार्निंग अलगाववादियों को समझनी होगी और दो टूक समझनी होगी। इसमें इफ और बट, किंतु और परंतु अब नहीं चलने वाला है। देशद्रोहियों को पत्थर का जवाब अब गोली से मिलेगा। आतंकियों को बचाने वाले भी आतंकवादी माने जाएंगे।
देश के पैसों पर पलने वालों को अब सुधरना ही होगा, इसके अलावा अब ऑप्शन नहीं बची है। आतंकियों की मौत पर आंसू बहाना बंद करें अलगाववादी। अब मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। आज के इस पैनल में मीम अफजल साहब हैं, जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट भी हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। मेरे साथ आज की इस बहस में डॉक्टर संबित पात्रा हैं, रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर प्रवक्ता। शबनम लोन होंगी वरिष्ठ वकील। तनवीर सादिक है प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के, इस डिबेट के अंदर लाइव। और मेरे साथ जनरल जी डी बख्शी है, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल। मैं सीधा रख करता हूं जनरल बख्शी आपका, आखिर वो वक्त आ ही गया जब आर्मी चीफ को, हमारे देश की सेना के प्रमुख को खड़ा होकर कहना पड़ा कि बंद कर दीजिए, जो इन गद्दारों का साथ देगा, जो इन आतंकवादियों का साथ देगा, वो भी आतंकवादी ही कहलाएगा, और उस पर कार्रवाई अब करनी होगी, और निर्णायक और जोरदार कार्रवाई करनी होगी। व्हाट इज योर टेक जनरल बख्शी, ओपनिंग रिमार्क्स? आमिश, मैं बताना चाहता हूं कि 20 साल मैंने ऑपरेशंस किए हैं जम्मू कश्मीर में, मैं इनकाउंटर के बाद इनकाउंटर में हिस्सा लिया है, लेकिन हमने कभी ऐसा तमाशा नहीं देखा कि फौज आतंकवादियों से लड़ रही है, गोलियां चल रही हैं, और वहां के कुछ स्थानीय अलगाववादी सेना के ऊपर पथरावबाजी कर रहे हैं, सेना के ऑपरेशंस में खलल डाल रहे हैं, टेररिस्टों को भाग जाने में शरेआम मदद दे रहे हैं, और फिर उसके बाद दुहाई दे रहे हैं कि साहब हम तो अनआर्म्ड सिविलियन हैं, हमारे खिलाफ कार्रवाई क्यों की जाए, हमारे खिलाफ कार्रवाई क्यों कर रहे हैं आप। देखिए साहब, अगर आप हथियारबंद टेररिस्टों को सपोर्ट देंगे तो आप भी टेररिस्ट सपोर्टर ओवरग्राउंड वर्कर की संज्ञा में आएंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई करना अनिवार्य होगा सेना के लिए। और सेना जो है, आप जानते हैं हम लोग छर्रे छर्रे नहीं चलाते, फॉर गॉड सेक आप अलग रहिए। हम आपको फिर कह रहे हैं, हमारी लड़ाई आतंकवादियों से है, सेना की लड़ाई केवल और केवल उनसे है जो हथियार उठा के चल रहे हैं, लेकिन अगर आप उनकी इस तरह शरेआम मदद करेंगे, आपकी वजह से हमारे सैनिकों को शहादत पे शहादत देनी पड़ेगी केवल आपको बचाने के लिए, और केवल ऐसे जो सरफरे लोगों को जो कि पाकिस्तान के पैसे खाते हैं और यहाँ पे करते हैं, आप जनता जो के पाकिस्तान लिए के पैसे खाते हैं, उनके पलते हैं, लेकिन इस प्रकार के लोग देशद्रोही है जी। मैं सीधा रुख करता हूं तनवीर सादिक का। तनवीर सादिक, आपकी क्या राय है, क्या आपको लगता है सेना प्रमुख ने जो बोला वो लाजमी था, इसके अलावा कोई चारा बचा नहीं है कश्मीर के अंदर? आप खुद बताइए, सेना कल हट जाएगी तो आप लोगों का क्या होगा, आप खुद जानते हैं। अगर हट जाए सेना तो सेना के जवान शहीद हो रहे हैं, और पत्थरबाजी जो कर रहे हैं उनके समर्थन में आप लोग खड़े हो रहे हैं, किस बिना के ऊपर, किस बिना के ऊपर, मैं पूछना चाहता हूं। देखिए पहली बात, जो आर्मी चीफ होता है ना, ये सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है पूरे भारत में, उसके चीफ थ्रेट्स नहीं देते हैं, वो लोगों को समझाते हैं। समझिए एक बात, या तो वो थ्रेट गलत है, या तो आप लोगों को अपना नहीं समझते हैं। आपका सद्भावना प्रोजेक्ट है, सद्भावना का प्रोजेक्ट है लोगों, आपके घर का कोई, आपके घर का कोई बच्चा होता, देखिए और सुनिए मेरी बात, और उसको शहादत प्राप्त हो जाती, आप समझाते, सुनिए आप समझाते, आर्मी को समझाना चाहिए, फूल बरसाने चाहिए, बिल्कुल समझता हूं, नहीं फूल बरसाने चाहिए आर्मी को, और वो पत्थरबाजी करे, वो सेना को मारे, सेना फूल बरसाए। खुद बोलिए या तो मुझे बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल, ये दिस इज अ वेरी वरिंग साइन, जो लोग एनकाउंटर साइट्स पे जाते हैं, ये बहुत एक गलत चीज है, जिसको हमें बहुत दिमाग से समझना चाहिए कि इसका रीजन क्या है। लेकिन वो बोल के मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना है, ये इसलिए हो रहा है, नौजवान जो कश्मीर का है वो इसलिए इसमें ये सब कुछ कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उस तक न्यू दिल्ली रीच नहीं कर पाई है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ द सेंटर, वो उस तक पहुंची नहीं है, उसके जो मसाइल है, उसके जो प्रॉब्लम है, वो उसको नहीं पहुंचे। देखिए सुनिए, पिछले साल पिछले साल फॉर माय कंट्री, मैं अपने देश के लिए खड़ा होता हूं, और मेरे देश को इस समय जरूरत है ऐसे लोग जो कि सेना के ऑपरेशन में पत्थरबाजी करते हैं, शहादत को प्राप्त हो जाते हैं हमारे सैनिक, और आप कह रहे हैं कि वो दिल्ली तक नहीं चौकी कर पाए, लेकिन कोई भी उन तक नहीं पहुंचा। इट इज अ लेम एक्सक्यूज, लोग मर गए हैं, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्सपोज हो रही है, 100 पीपल गलत कह रहे हैं, 100 पीपल हैव डाइड,
व्हाट आई एम सेइंग इज आर्मी एक इंस्टीट्यूशन है, उनके मुंह से ये शोभा नहीं देता है कि वो थ्रेट्स दे, वो भी सिविलियंस को। अरे हाँ, भाई जब आतंकवादी होंगे, जब हमारे सैनिकों को मारा जाएगा तो थ्रेट नहीं दी जाएगी, उनको गले लगाया जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ, दुश्मन को गले लगाया जाता है क्या, या थ्रेट दी जाती है कि मत करिए, सावधान हो जाइए। अगर सुनिए, आपकी पड़ोस में भी अपनी लड़ाई हो जाए ना, तब भी आप थ्रेट दे देते हैं और आप चाहते हैं सेना थ्रेट दे। ये कैसी देश होती है आपकी? आप इसी देश में रहते हो, कैसी बातें करते हैं आप? गोलियां चलाएंगे 15,000 लोगों पे, आप गोलियां चलाएंगी? इस ये आपका सोल्यूशन है? अगर आपको 10,000-15,000 लोग संबित पात्रा जाते हैं, क्या यही सोल्यूशन है? जो कि आर्मी चीफ है, सेना की बात, उस पे गोली चलाएंगे? प्रधानमंत्री की बात का विद्रोह हो सकता है, सेना की बात का भी विद्रोह होगा क्या? ओके, संबित पात्रा, रिस्पॉन्ड टू तारिक सादिक का स्टेटमेंट, रिस्पॉन्ड टू तनवीर सादिक। संबित पात्रा, देखिए क्यों कहा सेना प्रमुख नहीं, आपकी सरकार सपोर्ट कर रही है? पहली बात तो यह है कि आज इस डिबेट का आरंभ में मेजर सतीश दहिया जी, जो आज हमारे बीच नहीं रहे, और बाकी 3 आर्मी के जवान जो शहीद हुए हैं, उनको नमन करते हुए करता हूं। दूसरी बात है, मैं सेना के अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत जी को सल्यूट करता हूं। आज उन्होंने हिंदुस्तानियों की दिल की बात कही है। वो वीडियो देखिए, जब सतीश दहिया जी को, जो मेजर थे जो शहीद हुए, उनकी बॉडी को निकालने की बांदीपुरा से कोशिश हो रही थी, कुछ लोग किस प्रकार पथराव कर रहे थे, कुछ लोग उस पर भी दखल दे रहे थे। अरे आतंकवादी नहीं तो क्या है? जब हमारे देश के सैनिक के बॉडी को निकालने आप नहीं दे रहे हैं, आप यहाँ उल्टा हम पे चिल्ला रहे हैं। अगर वो इवैक्यूएशन हो जाता, शायद सतीश दहिया बच जाते। सच्चाई तो ये है, उनकी ज्यादा ब्लीडिंग हो गई। आपके अलायंस पार्टनर पीडीपी पॉलिटिक्स को बदलाइएगा आज। तनवीर अहमद घर में देखिए, तनवीर सादिक, तनवीर सादिक, मेरी गुजारिश है, पॉलिटिक्स को बदलाइए कभी इसके अंदर। आज आप राजनीति को मत जाइएगा, मैं बिल्कुल सुनने के मूड में नहीं हूँ पॉलिटिक्स का। हमें बोलने दीजिए, यहाँ कम से कम पत्थर मत फेंकिए। नहीं नहीं, मैं पॉलिटिक्स नहीं खेल रहा हूँ, सच्चाई बोल रहा हूँ। संबित पात्रा, कैसे बोलूं मैं आपको भी वार्न करता हूँ कि पॉलिटिक्स मत खेलिएगा आज, ये देश हित की बात। ना ना ना, मैं तमाम उन लोगों को वार्न करता हूँ जो आतंकवादियों के साथ खड़े होने के लिए रेडी रहते हैं, और विडंबना है इस देश की तो पहले पीडीपी को दीजिए। अरे आप चुप रहिए थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर चुप रहिए आप। ये आप गद्दार हैं, गद्दार चुप रहे, चिल्लाना बंद करें। गद्दार यहाँ पे पीडीपी है, गद्दार चिल्लाना बंद करे, नेशनलिस्ट, गद्दार चिल्लाना यहाँ बंद करे। चुनाव दूसरों को, देशभक्तों को सुने, गद्दारों को सुनने के लिए नहीं बैठे। You don't dare to give us गद्दारों को सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। अरे बुरान वाली को आतंकवादियों को तनवीर सादिक, लिसन टू हिम, तनवीर सादिक, तनवीर सादिक, गुजारिश मेरी, 30 सेकंड सुनिए, 30 सेकंड सुनिए। आप लोग खेल रहे हैं, उन बच्चों को, उन बच्चों को रीच आउट कीजिए, कश्मीर को बचाइए। रीच आउट करिए, खुद तो लीजिए पहले मेरी बात। रीच आउट कैसे करें, आप चुप रहेंगे तभी तो रीच आउट करेंगे। रीच आउट कीजिए, तनवीर सादिक बहस का डेकोरम बनाए, लेट हिम कंप्लीट, गिव हिम 30 सेकंड्स, बहस का डेकोरम बनाए, गिव हिम 30 सेकंड, देन मीम अफजल साहब। संबित पात्रा, देखिए मैं, ये कितनी बड़ी विडंबना है, किससे लड़े हम? पाकिस्तान से लड़े, आतंकवादियों से लड़े, अपने देश के अंदर बैठे लोगों से लड़े? क्या कह रहे कांग्रेस के प्रवक्ता? कह रहे हैं कि संयम खो, रंजीता रंजन एक पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने बयान दिया है कि आर्मी के प्रमुख, उन्होंने अपना संयम खो बैठा है। और क्या कहते हैं एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता, उनके प्रवक्ता का नाम मैं बताऊं, मुस्तफा कमाल, वो कहते हैं आर्मी चीफ हैज बिकम डिक्टेटर एंड अ बुली। आप आर्मी चीफ के लिए ऐसा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? बुरहान वानी को आप लोग मार्टर कहते हो, जेएनयू में जब नारे लगते हैं आप जाके हिंदुस्तान के 100 टुकड़े हो वहां खड़े हो जाते हो, और यहां आर्मी चीफ को बोलते हैं वो संयम खो जाता है। आप जानते हैं जब आर्मी का चीफ संयम खो जाता है तो क्या होता है, आप जानते हैं? अरे आर्मी के चीफ के बच्चे होते हैं मेजर, कैप्टन, और आर्मी के सेना, अगर सेना को मारोगे तो आर्मी का चीफ छोड़ेगा नहीं, और हम भी नहीं छोड़ेंगे आपको। ये किस प्रकार की राजनीति हो रही है यहां पे? आप देखिए, हम इंसानियत के साथ इंसानियत, मगर जो हैवान है उनको नहीं बख्शा जाएगा। जमहूरियत को मानने वालों के साथ जमहूरियत, मगर जो जमहूरियत को नहीं मानेगा उसको तो हिंदुस्तान सबक सिखाएगा। मैं वार्निंग है, संबित पात्रा, योर टाइम इज अप। मीम अफजल साहब का रुख है, मीम अफजल साहब अब बहुत वरिष्ठ हैं, अब सांसद रहे हैं, अब डिप्लोमेट रहे हैं, अब कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक हैं, और जिनकी बात का इस देश के अंदर वजन होता है, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं आज। मीम अफजल साहब,
रंजीता रंजन ने जो बोला बोला, वो आपकी सांसद है, गुलाम नबी आजाद विपक्ष के नेता राज्यसभा में क्या कहते हैं, मैं आपको उनका अपीला, मैंने उनका बयान आपको वीडियो बयान सुनवाया, मैं आपको टेक्स्ट में बता देता हूं, आर्मी आतंकवादी को पकड़े लेकिन यह कहेंगे कि हमारे बच्चों को पकड़ेंगे तो यह बहुत नाइंसाफी होगी। नाइंसाफी इस देश की सेना के साथ हो रही है या उन लोगों के साथ हो रही है, उन गद्दारों के साथ हो रही है जो पत्थर मार रहे हैं, अरे जवान की बॉडी को उठाने नहीं दे रहे, उस पर पत्थर मारे जा रहे हैं, वो कैसे बच्चे हैं, वो बच्चे कैसे हो सकते हैं, आप मुझे ये बात बताइए। अफजल साहब टुनाइट आपको लगता नहीं है कि ये देश के साथ खड़ा होने का टाइम है? कांग्रेस पार्टी जिसने देश के लिए इतनी शहादत दी उसको देश के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए इस समय, या आर्मी के चीफ के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए? गुलाम नबी आजाद क्या कह गई है? देखिए अमित जी, पहली बात तो है कि मैं चिल्लाने की कोई कोशिश नहीं करूंगा। बिल्कुल सर, मेरी बात को अगर आप ध्यान से सुने तो मुझे चिल्लाने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि आर्मी चीफ ने जो भी बयान दिया है, मैं समझता हूं कि आर्मी चीफ को कोई भी बयान देते वक्त यकीनन हर चीज को, हर पहलू को सामने रखना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, चाहे आर्मी चीफ हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे माम अफजल हो, चाहे सम्मित पात्रा हो या आप हो, हम सब लोग देश के कानून से बने हैं। जो लोग आतंकवादी हैं उनके साथ वही सलूक होगा जो होना चाहिए, जो लोग आतंकवादियों का साथ देते हैं उनके साथ वही सलूक होना चाहिए जो कानून इजाज़त देता है। दूसरी अहम बात, मैंने जो पथराव देखा मुझे बहुत अफसोस हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा। कश्मीर के लोग मेरी बात सुन रहे हों तो मैं कहूँगा कि ये वही हमारे फौजी हैं जिन्होंने सैलाब जब आपके यहाँ आया था सबसे ज़्यादा आपकी मदद की थी, इन्होंने घर घर जाकर के लोगों को रेस्क्यू करने का काम किया था। एक डेढ़ महीने तक यही फौजी थे जी, और मैं खुद कश्मीर गया था उस वक्त, उस वक्त कश्मीर का बच्चा बच्चा कह रहा था और मुबारकबाद दे रहा था और शुक्रिया अदा कर रहा था इसी आर्मी का जी। ये आर्मी आपके लिए भी खड़ी होती है। अगर गुलाम एक आर्मी का जवान मारा गया है, रंजीता रंजन को नहीं दिखती वो आर्मी, पथराव कर रहे हैं बच्चे तो कानून। अब मैं अभी आजाद साहब पे भी आऊंगा, मैं आजाद साहब पर भी आऊंगा। देखिए अमित जी, एक बात समझ लीजिए, मैं एक बात महसूस करता हूं जो आपके अहम चैनल के जरिए से कहना चाहता हूं देश को। प्रॉब्लम यह है कि कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के सेंटीमेंट को समझने में गलती करते हैं, और कुछ लोग हिंदुस्तान के अंदर, हमारे भारत के अंदर ऐसे हैं जो कश्मीरियों के सेंटीमेंट को समझने में गलती करते हैं। पर ये कौन सा सेंटीमेंट है कि आर्मी चीफ अपना संतुलन खो बैठे हैं? अभी जो तनवीर बच्चे हैं, ये कौन सा सेंटीमेंट है? देखिए सर, देश तो सभी के लिए एक है। मेरे लिए इस चैनल से पहले, इस प्रोग्राम से पहले, हर अपने अपने परिवार से पहले भी देश है। क्या देश नहीं है हम सबके लिए सबसे पहले? अमीश जी, जी सर, अमीश जी, जी अमीश जी, जी मैं ये कह रहा हूं, रंजीता जी ने अगर ऐसा कहा है तो मैं उससे एग्री नहीं करता, मैं उससे एग्री नहीं करता। करिए कार्रवाई रंजीता। आर्मी चीफ का बयान आ गया लेकिन सरकार क्या कर रही है अब तक? आज आर्मी चीफ को अगर ये कहना पड़ा है तो मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी बार बार कहते रहते हैं, हमारे दोस्त समित पात्रा जी कहते रहते हैं कि हमने आर्मी को खुली छुट्टी दी हुई है, पूरी छूट दी हुई है जो पहले कभी नहीं मिली, उसके बावजूद ये आतंकवाद कंट्रोल नहीं हो रहा है ना, तो इसकी जिम्मेदारी तो आप पर भी है। खाली आप आर्मी चीफ के बयान को ले रहे हैं, आज आर्मी चीफ को ये बयान ये देना क्यों पड़ा? ओके, आपकी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, एक्शन होना चाहिए और जो इंसाफ पर मबनी हो होना चाहिए। 30 सेकंड रिबटल, फिर मैं सीधी बॉक्सिंग की बात आऊंगा। सबमिट पाता रिस्पोंड टू, चाहे वो आतंकवादी हो, आपने जवाब नहीं दिया। आर्मी चीफ ने गुलाम नबी आजाद ने जो बोला, जो गुलाम नबी आजाद के गलत बयान की बात होगी उस पर आपने नहीं कुछ जवाब दिया, कुछ नहीं होगी। गुलाम नबी साहब ने जो कहा है वो ये कहा है कि अगर पथराव करने वाले बच्चे हैं तो आप उनको आतंकवादी कैसे कह सकते हैं? और ये पथराव आज से नहीं हो रहा है, बहुत जमाने से हो रहा है, जब से ये सरकार आई है तभी से पथराव शुरू हुआ है। बच्चे इससे पहले सेना के जवान की, जब हमारी सरकार के जवान को उन्होंने दिया, वो वहां पर शहीद हो गया, उसका शरीर नहीं उठाने दिया गया, उसकी बॉडी को इवैक्यूएट नहीं करने दिया गया, वो बच्चे, कम ऑन सर, मैं कह रहा हूं, हम उनको बच्चे मानते हैं, जेएनयू में भी बच्चे मानते थे, हम जेएनयू में भी बच्चे मानते थे, क्या हुआ? कंडेम करता हूं, हम बच्चे मानते रहे सबको,
नहीं नहीं, कुछ लोग तो जेएनयू के बच्चों को भी आतंकवादी मानते हैं ना। देखिए पूरी यूनिवर्सिटी को आतंकवादी मानते हैं। बिल्कुल नहीं, कोई नहीं है, बात तो छोड़ दीजिए। ये बात कह रहा गलत है, जो कोई सवाल मत उठाइए, गलत कहता है। इस वक्त कश्मीर की जो बात हो रही है, कश्मीर पर बात। ओके ओके, संबित 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 आपका जवाब होगा, संबित आपका जवाब होगा और आज आर पार देश हित पर राष्ट्र हित पर जोरदार होगा और सवाल पूछे नहीं, सवाल दागे जाएंगे। और मैं चाहता हूं अगर आपके पास भी कोई सवाल है ट्विटर पर फेसबुक पे जरूर भेजिए, मुझे बहुत से रिएक्शन आ रहे हैं। लेकिन आज इस देश में एक बड़ी घटना घटी है और बड़ी घटना इसलिए आर्मी चीफ को खुद बोलना पड़ा है कि अगर आप कोई करेगा तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं एक अंतराल लेता हूं, ब्रेक लेता हूं, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद जोरदार और निर्णायक आर पार होगा। कि इस तरह की एलिनेशन हो कैसे गई? दिस इज अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम और ये पॉलिटिशियंस जो हैं, इन्होंने अपना काम नहीं किया, इन्होंने अब अपना काम ले देके आर्मी के सर पे डाला है और आर्मी और लोगों को लड़ा के ये अपना काम कर रहे हैं। मैं इनका क्या जाता है? आप कह रहे हैं पॉलिटिशियंस की प्रॉब्लम है, मैं सीधा रुख करता हूं संबित पात्रा और तन्वीर सादिक का। संबित पात्रा, फर्स्ट योर रिस्पांस। ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है जिसको जो क्रिएट हुई है शबनम लोन का, ये व्यू पॉइंट है और यही बात तन्वीर सादिक भी बोल रहे थे। इसको ध्यान से सुनिए। इन लोगों का कहना है कि जो नवयुवक है कश्मीर में उनको एलिनेट कर दिया गया है। कुछ लिबरल्स का कहना है कि उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, वो खाली बैठे तो पत्थर फेंक रहे हैं। मगर जब 80,000 करोड़ का पैकेज गया तो इन्हीं लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ये पैसा से क्या होगा, डेवलपमेंट से क्या होगा, ये तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। मेरा सवाल है, क्या है पॉलिटिकल प्रॉब्लम? क्या आप अलग होना चाहते हैं? अगर ऐसा चाहते हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा, ये आप गांठ बांध लीजिए कि अगर ऐसा चाहते हैं तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। दूसरी बात, मैं शबनम जी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप सुन लीजिए प्लीज। मैं आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करता हूं कि आज ऑन एयर आप इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल्स पे हैं, आप यहां ऑन एयर बोल दीजिए कि बुरहान वानी एक आतंकवादी है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप बुरहान वानी को आतंकवादी ही नहीं मानती हैं तो आप भी बुरहान वानी को शील्ड कर रही हैं। जैसे वो बच्चे, वो जो बच्चे हैं ना आप लोगों के, वो बच्चे जैसे पत्थर मार के शील्ड कर रहे हैं। आप भी कानूनन उसको शील्ड कर रहे हैं। आतंकवादियों को शील्ड करना बंद करें। सेना के अध्यक्ष के साथ खड़े होने का मादा रखिए। स्टैंड विद द आर्मी चीफ, स्टैंड विद इंडिया, स्टैंड विद पीस। हम चाहते हैं कि आप शांति के साथ खड़े हो। आप बुरहान वानी को आतंकवादी बोलिए तो सही, एक बार बोल के दिखाएं, एक बार बोलिए, प्लीज बोलिए। गो एंड किल। आप और तन्वीर दोनों एक बार बुरहान वानी को आतंकवादी बोल दीजिए। It is rain bullets. No. Okay, Tanvir. Tanvir. मेरे लिए सर्टिफिकेट आप कोई नहीं है मेरे को सर्टिफिकेट देने हमारी पॉलिटिकल पार्टी, हमारी पॉलिटिकल पार्टी ने 10,000 लोग खोए चैनल में बैठे। आप मुझे कतरा रहे, पहले आप मुझे ये बताइए, हमारी सरकार थी, हमने मार गिराया आतंकवादी को। आपकी आपकी चीफ मिनिस्टर ने बोला, हमने उसे मार गिराया, पता होती तो मैं उसको बचाती, आतंकवादी को समाप्त कर दिया। आप उसे आतंकवादी तो मानिए, संबित पात्रा पहले आप अपनी महबूबा मुफ्ती ही मारने को तैयार नहीं है। मीम अफजल, आप अपने अलायंस पार्टनर से पूछिए।
ट्विटर पर मेरे पास एक सवाल आया, फेसबुक पर मेरे पास सवाल आ रहे हैं। मैं तनवीर सादिक बोल दीजिए ना, बुरानवानी आतंकवादी था, या फिर आप बार बार बच्चों की बात करते हैं, अपने अपने बच्चों को भी मैं आप दोनों से पूछता हूँ, शबनम नौन और तनवीर सादिक, आप अपने माफ करिए, मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं पहले माफी मांग रहा हूँ, आप अपने बच्चों को क्या पत्थरबाज बनाएंगे? ये बच्चे हैं जो पत्थर मार रहे थे, फूल माला पहनानी चाहिए इनको। मैं एक सज्जन सवाल पूछ रहे हैं, उनका नाम है सुजीत कादियान और उनका सवाल स्पेशली अफजल साहब आपसे है। वो कह रहे हैं कि विल ही गो टू कश्मीर व्हेन बच्चे थ्रो स्टोन्स ऑन आर्मी, क्या आप कश्मीर जाएंगे जब बच्चे ये आर्मी पे पत्थर फेंक रहे हो? बताइए, ये इस देश की जनता सवाल पूछ रही है आज। सर ये देश हित की बात है, इस पे पॉलिटिक्स मत करें। ये नरेंद्र मोदी की, ये नरेंद्र मोदी की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी आएगा जाएगा, लेकिन ये देश तो रहेगा ना सर। पंडित नेहरू भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, पीवी नरसिंह राव भी थे और इंदिरा गांधी भी थी, और आज नरेंद्र मोदी हैं। ये मुल्क तो रहेगा ना सर, किस बात की राजनीति? आज आर्मी चीफ ने बोला तो कुछ तो हुआ होगा सर, आर्मी पे तो भरोसा रखिए आप लोग। जी सर, अफजल साहब आप लोग से क्या मतलब है? अमीश जी आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, आप लोगों से मतलब क्या है? मैंने क्या ये कोई लफ्ज कहा है आर्मी के खिलाफ? मैंने तो बताया आपको और मैंने कंडेम किया उसको, जो कुछ दिखा रहे हैं आप उसको। जनरल बख्शी को भी शायद कोई गलत फहमी हो गई जो उन्होंने कहा कि अफजल साहब भी उनको बच्चा कह रहे हैं। मैं इन बच्चों को कंडेम करता हूं, लेकिन मैं एक बात देख रहा हूं कि दो कश्मीरी बैठे हैं, हम उनकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। यही इसलिए मैं कहता हूं कि कश्मीर के सेंटीमेंट को हम समझने की कोशिश नहीं करते, और कश्मीरियों से भी मैं कहता हूं कि आप हमारे सेंटीमेंट को समझने की कोशिश नहीं करते। देश किस तरह से चल रहा है अभी अभी मैं सुन लीजिए जरा, प्लीज मैंने आपको एक मिसाल दी। आपने जितनी आर्मी की तारीफ की जब सैलाब आया और उन लोगों ने आपको रेस्क्यू किया, आपकी मदद की, वो उसको सामने रख करके आपने शबनम जी आपने सही बात कही कि शायद कुछ ताकतें चाहती हैं कि कश्मीरी आवाम और आर्मी के बीच में झगड़ा हो जाए। आप इसको कामयाब ना होने दीजिए, मैं आपको बता दूं मैं, ये कश्मीर के लिए बहुत बड़ा पॉइंट बोल रहे हैं अफजल साहब। आर्मी से लड़ना, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, आप ये बड़ा पॉइंट बोल रहे हैं, और लेकिन जो आप लाइन ले रहे हैं वो शायद गुलाम नबी आजाद नहीं लाइन ले रहे, आपकी लाइन टोटली न्यूट्रल है, लेकिन गुलाम नबी आजाद क्या कह रहे हैं, रंजीत रंजन क्या कह रही है, आपके सामने है सर। मैं अंतराल ले रहा हूँ, ब्रेक ले रहा हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद आर पार होगा और जबरदस्त होगा और देश हित में होगा। मैं एक अंतराल लेकर तुरंत वापस आ रहा हूँ, अपने सवाल भेजे फेसबुक और ट्विटर पर, मैं लाइव पूछूंगा। आप देख रहे हैं आर पार, देश की सबसे बड़ी बहस और देश की सबसे जोरदार बहस। मेरे साथ इस पैनल में डॉक्टर संबित पात्रा, मीम अफजल साहब हैं, जीडी बख्शी हैं, शबनम लोन हैं, तनवीर सादिक साहब हैं। मैं इस दौर में संबित पात्रा आपके पास आना चाहता हूं, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं बिपिन रावत के बयान पर। आप बहुत आप कह रहे हैं कि बिल्कुल बिपिन रावत के साथ आप खड़े हैं, हम भी खड़े हैं बिपिन रावत साहब के बयान के साथ, और मीम अफजल साहब कह रहे हैं मैं भी खड़ा हूं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये अलगाववादी जो आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं आपके अनुसार भी, उनके लिए होटल क्यों बुक रहते हैं? उनके ऊपर 100 करोड़ का खर्चा क्या होता है आप मुझे बताइए? इनके बच्चे सब विदेशों में पढ़ते हैं, चाहे मीरवाइज उमर फारूक हो, चाहे आसिया अंद्राबी हो, चाहे अशरफ सहराई हो, चाहे एजाज अकबर हो, इन पर 100 करोड़ का खर्चा केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार क्यों करती है? दोनों जगह आपकी सरकारें हैं और आप अपने आप को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी कहते हैं, बताइए। देखिए पहली बात तो है इनके ऊपर, ये जो अलगाववादी हैं उनके ऊपर अंकुश लगाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। पिछली बार 100 करोड़ क्यों खर्च होते हैं? मेरा पैसा क्यों खर्च होता है? मैं पूछता हूँ, टैक्स पेयर की मनी क्यों दी जाती है इन देश द्रोहियों को? सुनिए इन आतंकवादियों को क्यों दी जाती है टैक्स पेयर की मनी? बिल्कुल ठीक कहा। यह विषय सुप्रीम कोर्ट तक गया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया था आपको भी पता है, मैं उस फैसले को यहाँ डिस्कस करना नहीं चाहता, बहुत समय लगेगा। कि उन पर पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, इससे मैं भी आपसे सहमत हूं, और यह विषय सुप्रीम कोर्ट तक किया था। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात है, जब पिछली बार वार्तालाप हुई थी हम ही ने उनको शन किया था, उनसे बात करना बंद किया था। पहले तमाम सरकारें उनसे बात करती थी, उनको अपना औकात दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और हमने कहा है आप संविधान को मानिए तो हम आपसे बात करेंगे, आप संविधान को नहीं मानिए तो हम बात नहीं करेंगे। वह बड़ी बात है। देखिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, सर्जिकल स्ट्राइक भी हमने किया तो उस पर भी सवाल खड़ा कर दिया, उस पर भी खून की दलाली जैसे बात करनी
पॉलिटिक्स नहीं, पात्रा पॉलिटिक्स नहीं, मैं पॉलिटिक्स का एक शब्द सुनूंगा, आज राजनीति नहीं सर, कर रहा है आज, आज आप सेना की पूजा कर रहे हैं, अगर कोई गलत करे तो आप भी करेंगे, रंजीता रंजन गुलाम नबी आजाद, ये पॉलिटिक्स नहीं है, नीमा अफजल कुछ कह रहे हैं, नीमा अफजल कुछ कह रहे हो, ओके टू विंडो, नीमा अफजल एंड संबित पात्रा सुनाई, करना चाहते हैं तो करिए, ना ना ना, अगर आप इसी तरह डील करना चाहते हैं कश्मीर को तो करिए, रंजीता रंजन, अगर आप इसी तरह दिखा दीजिए, आपने 3 महीना कर्फ्यू लगवाया, सैकड़ों नौजवानों को अंधा कर दिया है क्या है, और बोलने के लिए तैयार नहीं कोई, और नतीजा क्या है, आज भी आतंकवाद उसी तरह से आप नहीं है क्या फाड़े खड़ा हुआ है, बता दीजिए आप खून की दलाली बोल रहे थे सर्जिकल, अरे गुलाम नबी आजाद बनने के लिए 100 साल लगेंगे बता दूं आपको, अरे क्या गुलाम नबी आजाद बनने के लिए 100 साल लगेंगे, अमित पात्रा भगवान नहीं है, पूरे देश का, पूरे देश का लीडर, यहाँ तक कि आपकी पार्टी का लीडर गुलाम नबी आजाद के बारे में क्या राय रखते हैं मालूम करिए जाकर के, गुलाम नबी आजादी जोड़ जानने की कोशिश मत करिए, गुलाम नबी आजाद को आपके मशवरे की जरूरत नहीं है, माफ कीजिएगा, गुलाम नबी आजाद आपके गुलाम नहीं है, गुलाम नबी आजाद आपके गुलाम नहीं है, आपके मुताबिक बयान देंगे, गुलाम नबी आजाद आपके गुलाम नहीं है, मैं आजाद, गुलाम नबी आजाद बनने में 100 साल लगेंगे आपको, गुलाम नबी आजाद बनने के लिए आप लगाइए गुलाम बनने में 1000 साल, गुलाम नबी आजाद पर सवाल उठाने से पहले अपनी पार्टी के लीडरों से उनके बारे में बात करिए, वो बताएंगे आपको, माफी मांग लीजिए, आप माफी मांग लीजिए गुलाम नबी आजाद के बयान पे, माफी मांगते हैं आप, क्यों नहीं मांग रहे, अरे मैं काहे के लिए माफी मांगू, किस लिए आपने मांगू, क्योंकि उन्होंने सैकड़ों लोगों को, नौजवानों को अंधा कर दिया, आप माफी मांगे पहले, क्योंकि आप माफी मांगो कश्मीर के लोगों से, सेना के प्रमुख के खिलाफ कहा, आप माफी उन लोगों से माफी मांगिए जिनको आपने अंधा कर दिया, पैलेट गन चला चला करके छर्रे मार मार के आपने लोगों को अंधा कर दिया, पहले आप माफी मांगो, गुलाम नबी आजाद किस लिए माफी मांगेंगे, अरे नेहरू जी के गुलाम नबी आजाद क्यों माफी मांगेंगे, नेहरू ना होता कश्मीर का प्रॉब्लम, नेहरू तनवीर सादिक आपके पास में आ रहा हूँ, आप सवाल के लिए तैयार रहिए, तनवीर सादिक मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो देश के खिलाफ काम करते हैं उनका हुक्का पानी बंद नहीं हो जाना चाहिए, आप मुझे बताइए, इन अलगाववादियों का हुक्का पानी बंद नहीं होना चाहिए, देखिए बिल्कुल होना चाहिए, वही तो मैं सवाल संबित जी से पूछ रहा हूं कि आपकी जिनके साथ हुकूमत है वो तो कल तक बोल रहे थे कि बुरहान को हम बचाएंगे, अगर हमें पता होती तो हम बचाएंगे, देखिए यही लोग हैं जिनने डीमोनेटाइजेशन के वक्त ये बोला कि अब मिलिटेंसी कश्मीर में खत्म हो गई है, अब स्टोन पेल्टिंग नहीं होगी, ये लोग इनको इस वक्त क्या करना चाहिए, ये तो देखिए ये एक वरिंग साइन है, छोटे छोटे बच्चे जो हैं अगर वो पत्थर उठा रहे हैं, सर छोटे बच्चे नहीं है, या चाहे बीजेपी शॉट्स को देखिए दोबारा, आपके पास इंटरनेट होगा, आपके पास इंटरनेट होगा, देखिए नहीं सर, ये मैं ये गलत कम्युनिकेशन नहीं जाने दूंगा, देश की जनता को ये नहीं लगना चाहिए कि छोटे बच्चे, वो छोटे बच्चे नहीं है, जो सेना के शहीद हुए जवानों पर पत्थर मार रहे हैं वो छोटे बच्चे नहीं है सर, छोटे बच्चे ये नहीं करते, छोटे बच्चों जो वहाँ के छोटे बच्चे हैं वो दंगल फिल्म में एक्टिंग करते हैं सर, आप वहाँ के छोटे बच्चों को बदनाम मत करिए, वहाँ के जो छोटे बच्चे ना वो दंगल फिल्म में एक्टिंग करते हैं, वहाँ के छोटे बच्चे टॉपर बनते हैं, वहाँ के छोटे बच्चे अच्छे गाने गाते हैं, वो छोटे बच्चे हैं, उनके साथ पूरा हिंदुस्तान है, 1 लाख लोग 50,000 लोग रास्ते पे आते हैं तो इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम है, उनको पैसे दिए जाते हैं रास्ते पे आने के लिए, उनको पैसे दिए जाते हैं, उनको बगलाया जाता है सर, यही आपका माइंडसेट गलत है सर, ये माइंडसेट गलत होने की बात नहीं है, ये माइंडसेट गलत होने की बात नहीं है, अरे सेना के साथ तो खड़े हुई है, क्या बात बताइए, जब 100 लोग मरते हैं ना, जब 100 लोग मरते हैं तो वो माइंडसेट गलत नहीं होता, तनवीर आपको प्रॉब्लम क्या है, ऐसी बात होती तो फिर आपने जो तनवीर साहब आप बोल चुके हैं, आप दूसरों की भी सुनिए, आप प्लीज सुनिए जो मैं कह रहा हूँ, जो सूफी सिंक्रेटिक कल्चर था जम्मू कश्मीर में उसे खत्म कर वहाबाइज किया है,
घेटोइज किया है वैली को, गुमराह किया है वहां के बच्चों को, और जो हर बारी जब टूरिस्ट सीजन होता है उनको पैसे देके पथरावबाजी करा के तो वहां की आर्थिक हालत का सत्यानाश करने की कोशिश आप लोगों ने की है। आप लोगों ने की है ये कोशिश, और आप कह रहे हैं बच्चे जरा फोटो देखिए, वो पैसा खाए हुए आईएसआई के अच्छे हट्टे कट्टे वो है वहां के अफगानवादी। ओके जनरल जी नहीं बख्शी, जनरल जी नहीं बख्शी होना चाहिए, जनरल जी बख्शी हम पर चाहिए। तनवीर सादिक, तनवीर सादिक एक बार बताइए, आप बार बार ये बात कह रहे हैं, आप रीच आउट करिए, आप बार बार आप और शबनम लोन एक बात की वकालत कर रहे हैं, आप रीच आउट करिए। देखिए रीच आउट होगा अगर सामने से पत्थर आएगा तो कैसे रीच आउट होगा, आप मुझे बताइए। आप सेना वहां से हट जाए, तनवीर नहीं, तनवीर सादिक, तनवीर सादिक हियर मी आउट, हियर मी आउट तनवीर सादिक, वी आर नहीं नहीं, we are discussing it, we are debating it. तनवीर सादिक, तनवीर सादिक not fair, तनवीर सादिक not fair. वो 10,000 फॉलोअर्स, तनवीर सादिक कहाँ गई? अगर ह्यूमैनिटी को मांगते हैं तो ह्यूमन तरीके से काम करिए ना। संबित पात्रा होल्ड ऑन, संबित पात्रा, संबित पात्रा होल्ड ऑन, संबित पात्रा होल्ड ऑन। देखिए मैं आपको 2016 में सुनिए, 100 लोग मैं आपको बता दूं, जो इंसानियत करते हैं उनके साथ इंसानियत खड़ी है, मगर जो हैवानियत कर रहे हैं उनको बच्चा को मत बोलिए, बच्चा को मत बोलिए। क्या किया आपने, आपने एक बार भी कोई डायलॉग प्रोसेस स्टार्ट किया? क्या आपने कोई रिचार्ज किया? डायलॉग प्रोसेस किया मगर सेपरेटिस्ट को अलग रखा। कौन सा पॉलिटिकल पार्टी? हमने डायलॉग प्रोसेस किया, सेपरेटिस्ट को अलग रखा। प्राइम मिनिस्टर बने, डिसाइड नहीं करेंगे डायलॉग क्या होता है, जो संविधान को मानते हैं वो करेंगे। आपने ये बोला डिमोनिटाइजेशन से आतंकवाद खत्म हो गया, आप लोग तो यू विल, आपको तो यूपी में ही उसका पता चलेगा। ना 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 सुन लीजिए, डिमोनिटाइजेशन खराब है क्या? क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव, क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव इस बात का जवाब है? उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी जीत गया है, मायावती जीत के आए, अखिलेश यादव जीत के आए, या बीजेपी जीत के आए, इसका क्या मतलब है? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जीत के आए सर, देश तो रहेगा ना, चुनाव के लिए देश तो रहेगा ना, देश के जवान के ऊपर फेंके जा रहे हैं, ये जान बूझ के हटा लीजिए ना, हटा लीजिए आर्मी के अध्यक्ष शबनम लोन, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, बार बार ये कहा जाता है डायलॉग होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, डायलॉग बहुत जरूरी है, इन बच्चों से बात करनी चाहिए। एक मुझे बात बताइए, बच्चे ऐसे होते हैं, सेना के जवान जो शहीद हो गया उसकी बॉडी को इवैक्यूएट करा जा रहा है, वह पत्थरबाजी हो रही है, उन शॉट्स में जरा देखिए तो सही, वो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, जो बच्चे है ना कश्मीर के, वो दंगल की फिल्म में आते हैं, वो जो बच्चे है ना कश्मीर के वो टॉप करते हैं, क्या बातें कर रहे हैं आप लोग, क्यों बच्चों को बदनाम कर रहे हैं कश्मीर के? कभी आप चाहेंगे आपके अपने बच्चे ऐसे बने? कभी आप चाहेंगे? I'm sorry to ask this question, मैं माफी चाहता हूँ, but I have to ask. अरे बताइए, नहीं सुनिए, listen to me अमीश, 20 seconds. मेरी तरफ से तो यही आपको सदा है कि ये क्या दस्तूर जबाबंदी तेरी महफिल में है कि यहाँ बात करने को तरसती है जबा मेरी, जब आप सुनना ही नहीं चाहते। मैंने इन दो शायर में आपको सारा कह दिया, अशायर अगर आपने ठीक है, सुने, ठीक है मैडम, आप लोग ठीक है मैडम, मैडम मेरे पास मैंने पूरा मौका दिया आप लोगों को सुनने का, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल आर पार में इतना ही, लेकिन आज की बहस का छोटा सा निष्कर्ष है, देश पहले, ना राजनीति पहले है, ना कोई और चीज पहले है, देश पहले है, देश के बारे में जरूर सोचिए।